बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बरवक़्त मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास इंटरमीडिएट पार्ट वन का जो मैथमेटिक्स का कोर्स है वो हम पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमने चैप्टर 10 स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 10.2 का जो क्वेश्चन 4 है वो कर रहे थे, उसका लास्ट पार्ट रह गया था, वो हम सॉल्व करेंगे और देन हम क्वेश्चन 5 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का जो लास्ट पार्ट है उसमें भी हमने ये इक्वालिटी जो है वो प्रूव करनी है। इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है जी, 1 माइनस टेन थीटा टेन फाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन थीटा टेन फाई। ठीक है जी, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो टेन थीटा है इसको चेंज कर रहा हूँ साइन थीटा ओवर कोस थीटा में। सिमिलरली ये जो टेन फाई है इसको भी मैं चेंज कर रहा हूँ साइन फाई ओवर कोस फाई में। ये असल में करने की रीज़न ये है क्योंकि राइट हैंड साइड पे हमें टेन कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी जो टेन है इनको मैं चेंज कर रहा हूँ साइन ओवर कोस की फॉर्म में। डिनोमिनेटर में भी ये काम करेंगे, 1 प्लस टेन थीटा आपका बन जाएगा साइन थीटा ओवर कोस थीटा और टेन फाई आपका बनेगा साइन फाई ओवर कोस फाई। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एलसीएम लेंगे। न्यूमरेटर में एलसीएम क्या आएगा, कोस थीटा कोस फाई। ठीक है जी, तो ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आएगा कोस थीटा कोस फाई। ठीक हो गया, दरमियान में नेगेटिव साइन है। अब ये डिनोमिनेटर इसमें सेम है तो ऊपर जो दोनों टर्म्स हैं साइन थीटा साइन फाई ये वैसे ही आ जाएंगे। ठीक हो गया, ये समझ आ गई किस तरह से मैंने ऊपर एलसीएम लिया है। यही काम हमने रिपीट करना है डिनोमिनेटर में, इसका भी एलसीएम क्या आएगा जी, कोस थीटा कोस फाई। ठीक हो गया, ये आपका फाई है। अब जब इन दोनों को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा कोस थीटा कोस फाई, दरमियान में प्लस का साइन है और ये चूंकि सेम है तो ऊपर साइन थीटा साइन फाई जो है वो वैसे ही नीचे उतार लेंगे साइन थीटा साइन फाई। यहाँ तक ठीक हो गया। अब ये दोनों कोस थीटा कोस फाई कैंसिल हो गए। अब आप गौर करें यहाँ पे कोस थीटा कोस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई। चले हम एक स्टेप कर लेते हैं, कोस थीटा कोस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपके पास क्या रह गया जी, कोस थीटा कोस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे फार्मूला बन रहा है कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। फार्मूला नंबर 3 पे अगर आप गौर करें तो कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। यहाँ पे एक्चुअली थीटा है आपका अल्फा और फाई है आपका बीटा, तो ये फिर किसके इक्वल है जी, कोज अल्फा प्लस बीटा। तो इसको फिर हम लिख सकते हैं कोज अल्फा आपका थीटा है प्लस बीटा आपका फाई है, तो थीटा प्लस फाई के इक्वल हो गया। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी फार्मूला बन रहा है कोज थीटा कोज फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, और ये आपका फार्मूला बन रहा है फार्मूला नंबर 4, क्योंकि यहाँ में आपका जो साइन है वो पॉजिटिव है। ठीक है जी, तो ये किसके इक्वल होगा बाय यूजिंग फार्मूला नंबर 4, कोज अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे आपका अल्फा थीटा है माइनस और बीटा क्या है फाई। ठीक हो गया, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपकी राइट हैंड साइड बन गई है। सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया, नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 के एक्चुअली 2 पार्ट हैं, हमने इस साइड को लेकर ये प्रूव करना है और ये भी प्रूव करना है। मतलब पहले हम लेंगे कोस अल्फा प्लस बीटा इनटू कोस अल्फा माइनस बीटा और प्रूव करेंगे कि ये इक्वल है कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा के इक्वल, और फिर इसी साइड को लेकर ये भी प्रूव करेंगे कि ये कोस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल है। तो सबसे पहले मैं ये पकड़ लेता हूँ, कंसिडर ये है जी आपके पास कोस अल्फा प्लस बीटा इनटू कोस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं कोज अल्फा प्लस बीटा को फार्मूला नंबर 3 को यूज़ करते हुए एक्सपेंड करता हूँ, ये किसके इक्वल है, कोज अल्फा कोज बीटा
माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के, ठीक हो गया जी। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है कोज अल्फा माइनस बीटा, फार्मूला नंबर 4 को यूज़ करते हुए हम इसको एक्सपेंड करते हैं। ये आपके पास बन जाएगा कोज अल्फा कोज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, यहाँ तो ठीक हो गया। अब अगर आप गौर करें, ये फार्मूला बन रहा है, दिस इज ए कोज अल्फा कोज बीटा एंड दिस इज बी साइन अल्फा साइन बीटा, ए माइनस बी इन टू ए प्लस बी। ये फार्मूला आप पढ़ चुके हैं किसके इक्वल होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल्स टू ए प्लस बी इन टू ए माइनस बी। तो ये आपका ए है, ठीक है जी, और ये बी है। तो इस फार्मूले को यूज करते हुए हम इसको फिर लिखेंगे कोज अल्फा कोज बीटा ए स्केयर माइनस साइन अल्फा साइन बीटा बी स्केयर। फार्मूला हमने एक्सपेंड कर दिया, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यहाँ तक ठीक हो गया। अब हम इसको देखते हुए आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे अब आपने गौर करना है कि ये जो आपका अल्फा एंगल है वो कोस में है और जो बीटा एंगल है वो साइन में है। तो अब हम फिर क्या करेंगे कि हमारी पूरी एक्सप्रेशन में जहाँ पे अल्फा होगा उसको कोस में कन्वर्ट कर देंगे और जहाँ पे बीटा होगा उसको साइन में कन्वर्ट कर देंगे। इसको देखते हुए जो प्रूव करना है, तो ये तो अल्फा कोस में ही है, इसको वैसे ही रहने दें, लेकिन ये बीटा कोज में है, हमने बीटा किस में चाहिए, साइन में। तो कोस स्केयर बीटा किसके इक्वल होता है जी, वन माइनस साइन स्केयर बीटा के। ये हम इनइक्वालिटी प्रूव कर चुके हैं, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू वन। यहाँ से अगर मैं कोस स्केयर थीटा की वैल्यू निकालूँ तो वो होगी वन माइनस साइन स्केयर थीटा, और अगर मैं साइन स्केयर थीटा की वैल्यू निकालूँ तो वो होगी वन माइनस कोस स्केयर थीटा। तो इस इनइक्वालिटी से मैंने कोस स्केयर बीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्केयर बीटा निकाली, ठीक हो गया। इसी तरह से क्योंकि हमने प्रूव करना है उसमें अल्फा कोस की फॉर्म में है, ये अल्फा साइन की फॉर्म में है, तो इसको देखते हुए मैं इसको भी फिर साइन में चेंज करूंगा। तो ये आपका फार्मूला सामने पड़ा हुआ है, ये है 1 माइनस कोस स्केयर अल्फा, और ये बीटा ऑलरेडी साइन में ही है, साइन में ही हमें चाहिए, तो इसको वैसे ही रहने दें, ठीक हो गया जी। अब इस कोस के अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये जब वन से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा कोस स्केयर अल्फा, और जब ये साइन स्केयर बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा कोस स्केयर अल्फा इन टू साइन स्केयर बीटा। इसी तरह से जब इस वन को साइन स्केयर बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और ये पीछे वाला माइनस माइनस साइन स्केयर बीटा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कोस स्केयर अल्फा साइन स्केयर बीटा आ जाएगा पास आंसर, ये बीटा है और ये अल्फा, ठीक हो गया यहाँ तक। अब आप गौर करें, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल हो गए और बाकी आपके पास क्या रह गया जी, कोस स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर बीटा। ले जी, ये हमने पहला पार्ट इसका प्रूव कर दिया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो हमने प्रूव करना है उसमें देखें, जो बीटा है वो कोस की फॉर्म में है और जो अल्फा है वो साइन की फॉर्म में है, तो इसमें हमने उलट काम करना है। पहले हमने क्या किया था कि हमारे जितने भी अल्फा से उसको हमने कोज में कन्वर्ट कर दिया और बीटा को साइन में। यहाँ से हम अपना काम जो है वो अगेन स्टार्ट करेंगे इस स्टेप से। इसमें अब हम क्या करेंगे कि जो बीटा होगा उसको कोज में चेंज करेंगे और जो अल्फा होगा उसको साइन में चेंज करेंगे। तो ये जो पहला अल्फा है ये चूँकि होना चाहिए साइन में उस प्रूफ के मुताबिक, तो फिर इस कोज को आप साइन में चेंज करेंगे तो वो इक्वल होगा वन माइनस साइन स्केयर अल्फा, ठीक है जी। और दूसरी टर्म है कोस स्केयर बीटा, वो कोस में ही है तो इसको वैसे ही रहने दें, ठीक हो गया जी। फिर माइनस, और ये जो आपका अल्फा है ये साइन में ही है, इसको वैसे ही रहने दें। ये हम सारी वर्किंग प्रूफ को देखते हुए कर रहे हैं, इसमें याद कुछ नहीं करने वाला, ठीक है। और दूसरी टर्म है साइन स्केयर बीटा, बीटा आपका कोस में होना चाहिए इस प्रूफ को देखते हुए, तो फिर इसको जब आप कोस में चेंज करेंगे तो ये इक्वल होगा वन माइनस कोस स्केयर बीटा, यहाँ तक ठीक हो गया। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये वन से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा कोस स्केयर बीटा, साइन स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्केयर अल्फा कोस स्केयर बीटा, माइनस ये वन से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा साइन स्केयर अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन स्केयर अल्फा और कोस स्केयर बीटा,
ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह गया, कोस स्केयर बीटा माइनस साइन स्केयर अल्फा। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमने इसका दूसरा पार्ट भी बड़ी आसानी से प्रूव कर दिया। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 को भी आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमने एक इक्वालिटी जो है वो प्रूव करनी है, तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है जी, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, कोज अल्फा प्लस बीटा प्लस कोज अल्फा माइनस बीटा। अब इस एक्सरसाइज में हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें आपने एक चीज़ नोट की होगी कि इसमें सिर्फ इन 6 फार्मूलाज का यूज़ है, और इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें और कोई ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं है। अगर आपके पास ये 6 फार्मूलाज अगर आपने अच्छी तरह से याद कर ली हैं तो यही बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इनको आपने फोकस करना है, इन फार्मूलाज के ऊपर। अब यहाँ पे आप देखें, ये फार्मूला अल्फा प्लस बीटा फार्मूला नंबर 1 जो है वो यूज़ होगा। यहाँ पे हम इसको एक्सपेंड करते हैं, साइन अल्फा कोज बीटा प्लस कोज अल्फा साइन बीटा। ठीक हो गया जी, इसी तरह से ये है फार्मूला साइन अल्फा माइनस बीटा फार्मूला नंबर 2। तो फार्मूला नंबर 2 की मदद से हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा साइन अल्फा कोज बीटा माइनस कोज अल्फा साइन बीटा। ठीक हो गया जी, इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 2 फार्मूलाज है, एक है कोज अल्फा प्लस बीटा और एक है कोज अल्फा माइनस बीटा, फार्मूला नंबर 3 और 4। तो इन दोनों फार्मूला की मदद से हम इनको एक्सपेंड करते हैं। ये फार्मूला आपका क्या है जी, कोज अल्फा कोज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक हो गया, अब हम फार्मूला नंबर 4 एक्सपेंड करते हैं, कोज अल्फा माइनस बीटा विच इज इक्वल टू कोज अल्फा कोज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक हो गया, अब अगर आप गौर करें तो ये प्लस कोज अल्फा साइन बीटा माइनस कोज अल्फा साइन बीटा से कैंसिल हो गया। सिमिलरली डिनोमिनेटर में माइनस साइन अल्फा साइन बीटा और प्लस साइन अल्फा साइन बीटा कैंसिल हो गया। ये साइन अल्फा कोज बीटा साइन अल्फा कोज बीटा ऊपर आपके पास आ गया 2 साइन अल्फा कोज बीटा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में कोज अल्फा कोज बीटा और कोज अल्फा कोज बीटा दोनों ऐड होंगे तो ये बन जाएगा कोज अल्फा कोज बीटा। ठीक हो गया जी, अब ये 2 से कैंसिल, कोज बीटा से कैंसिल, बाकी रह गया साइन अल्फा ओवर कोज अल्फा, ये किसके इक्वल होगा जी, टेन अल्फा के इक्वल, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ले जी, ये क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्व कर लिया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे।